तो हेलो गाइस, तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सिटी बॉय माधव। तो गाइस आज हम कस्टम बना रहे हैं यहाँ पे वन वर्स वन का। तो गाइस हमने 1500 पहले डिफॉल्ट कॉइन कर देते हैं, राउंड 13 और अनलिमिटेड एंड नोम। और अब इनवाइट कर लेते हैं हम उसको। बस यहाँ पर हमने इनविटेशन भी भेज दिया और यहाँ पर हम पूछते हैं स्टार्ट करेंगे हम। तो गाइस हम यहाँ पर स्टार्ट कर ही रहे हैं, उसने कोई रिप्लाई दिया है नहीं वैसे, तो कोई नहीं गाइस हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। तो गाइस यहाँ पर हमारा पहला राउंड स्टार्ट हो चुका है और गाइस देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। और गाइस हम थोड़ा ट्राई कर लेते हैं वन टैप के और गाइस सीधा हम चलते हैं मैच के अंदर और जहाँ पर बंदा हमारे सामने बैठा था। गाइस देखते हैं हमारा वन टैप लगता है या नहीं। तो गाइस बंदा जो है वो लेफ्ट से घूम के आ रहा है, हम देखते हैं गाइस कि क्या हो रहा है। और गाइस देखते हैं कैसे हम मार सकते हैं उस बंदे को। गाइस उसने ग्लू वॉल का कवर ले लिया और हम थोड़ा वन टैप का ट्राई देख रहे गाइस कर रहे हैं और कैसे मारते हैं। गाइस बच गया थोड़ा सा बंदा, गाइस ऐसे वन टैप तो ना लगे गाइस पर वो मर जरूर जाएगा। थोड़ा सा बच गया, बिल्कुल कंधे जाके रुक गया। गाइस उसने क्रोनो जला दिया और रेस्ट करने की शायद से सोच ही रहा होगा हमारे ऊपर। गाइस देखते हैं उसने बैक ले लिया और हम थोड़ा भी बैक ले लेते हैं हम भी, क्योंकि गाइस उसका क्रोनो होने चुका है, शायद सब ख़त्म हो चुका है उसका क्रोनो। और गाइस देखते हैं हम सीधा उस पर रस बोल देते हैं। गाइस रस करना ही पड़ेगा नहीं तो यार वो मार देगा। और कहाँ पे ओ गाइस ये तो यहीं पे हमको लगा थोड़ा दूर चले गया होगा और वो सोच लो हम आगे से आएंगे, ये तो यहीं पे मैडी मार रहता है, इसकी तो मैडी भी पूरी नहीं होती और जो ना आगे उसको मार ही देता। तो गाइस कोई नहीं, वैसे हमने मार दिया। और इस मैच में हम अपनी फेवरेट कोबरा MP40 लेते हैं। और गाइस ग्रेनेड का तो चैलेंज है नहीं तो स्मोक ग्रेनेड ले ही लेते हैं। हेलमेट और वेस्ट ले लिया हमने। गाइस इस मैच में वन टैप तो देख के वन टैप तो लगेगा नहीं क्योंकि हमारे पास MP40 है, पर हेडशॉट के हम ट्राई करेंगे। थोड़ा हम अपना बैकपैक में से स्पेस खाली कर दो थोड़ा सा, वैसे तो अनलिमिटेड स्पेस होता है पर कोई नहीं गाइस। वो सीधा हम सामने चले जाते हैं, बस वो आ चुका है सामने से पहले ही हमसे। कैसे इतनी पहले? अच्छा हम सामान निकालने में लग गए थे। कोई नहीं गाइस देखते हैं वो हमारे ऊपर रस बोल ही रहा होगा, पर हम पहले बोल देंगे आजा भाई तेरी भी कोई कमी नहीं है। और M1014 लेकर वो आ चुका है। यहाँ पे ओपी वाला मैच तो चल ही रहा है, उसके साथ देखते हैं क्या होते हैं। वहाँ पे उसने क्रोनो जला दिया है गाइस, वो क्रोनो M1014 यहाँ पे है और M1014 से हमको हमला हुआ। और गाइस हम यहाँ पीछे हो रहे हैं और गाइस यहाँ पे देखते हैं कि क्या ही होता है। और यहाँ पे हम वो सामने आ गए और हमने मार दिया उसको गाइस। तो गाइस थैंक यू अभी से कहाँ बोल रहे हो, अभी तो राउंड बचे हैं। तो गाइस देखते हैं अगले राउंड में क्या होता है। गाइस यहाँ पे तीसरा राउंड फैक्ट्री का बना है और फैक्ट्री पे हम वुड पैकर ले लेते हैं M10 को छोड़कर, और मशरूम हमने ले लिया है। गाइस देखते हैं इस मैच में वन टैप आ जाए या फिर हेडशॉट लग जाए तो सही है गाइस, नहीं तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगी। तो गाइस देखते हैं इस मैच में हम ट्राई करेंगे वन टैप की। तो गाइस हम सीधा उसके साइड आ चुके हैं और देखते हैं गाइस मुझको यहाँ पे थोड़ी सी उसके दिखा। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। गाइस वो ऊपर है गाइस, देख सकते हो आप फैक्ट्री के ऊपर है वो। गाइस देख सकते हो आप गाइस तो वो फैक्ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसको सिंपल वो सामने सामने से जाता तो गाइस वो मेरे से मर जाता और साइड से, इसलिए यहाँ से जा रहा है। उसको लग रहा होगा क्योंकि वो आएगा। वो गाइस इसका नाम अभिटिम है, अभिटिम 04x0x। तो गाइस अगर आपको इसकी आईडी सर्च करनी है तो आप सर्च भी कर सकते हो। वो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर उसने ग्लूवा लगा दिया, शायद से वो छड़ चुका है। नो गाइस वो वापस आ चुके हैं नीचे और हमने उसको थोड़ा 30 का डैमेज दिया 45 का। तो गाइस आगे देखते हैं और हम स्मोक ग्रेनेड फेंक के उस पर रस कर दे हैं। तो गाइस यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड का ओपी टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस सीधा हम उस पर रस कर देते हैं और उसको लग रहा होगा हम निकल चुके हैं। गाइस उसको नहीं पता हम पीछे हैं। और गाइस यहाँ पे हमने ओपी वाला हेडशॉट मार के उसकी किल कंफर्म कर ली है। तो गाइस नेक्स्ट राउंड हमारा है काटुला सेवा। तो गाइस देखते हैं इस मैच में क्या होगा। हम वेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा हमारे पास लेवल 3 नहीं है। गाइस इस मैच में वन टैप लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं गाइस। गाइस और यहाँ पे हमारा ओपी, अगर आपको ये वाली वीडियो लाइक
से सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छी लग रही है, और गाइस शेयर तो ज़रूर कर दो अपने एक दोस्त को। तो गाइस देखते हैं इस राउंड में क्या होता है। तो गाइस हम यहाँ पे ग्लू वॉल में कवर होकर बिल्कुल सेंटर में हो गए। यहाँ पे हम ग्लू वॉल से हटते हैं पहले। गाइस उस बंदे को देखते हैं पीछे था हमारे। गाइस यहाँ पे हम ओपी वाली फाइट करते हैं। वन टैप बच गया गाइस, वो पीछे हो गए कवर में चले गया। कोई नहीं गाइस, ट्राई तो हम करेंगे। और वो सीधा रस करने की सोचा क्योंकि उसके पास करोना वैसे ही है। कोई नहीं गाइस देखते हैं वैसे क्या होता है हमारे साथ। थोड़ा हम कवर लेकर जाते हैं। अरे क्या हुआ यार, ऐसी ग्लू वॉल कैसा लग गई। चलो गाइस कोई नहीं, हम थोड़ा बैकअप ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने पूरा बैकअप ले लिया। वो सोच रहे हम ग्लू वॉल के अंदर कवर हैं। गाइस हमारा यहाँ पे हेडशॉट वाला किल आना चाहिए था, पर कोई नहीं गाइस, एफएफ वालों ने हमको सिंपल किल दे दिया है। कोई नहीं, पर गाइस यहाँ पे हमने ओपी वाले ट्रिक से हमने उसको मार दिया। और यहाँ पे हमने स्मोक ग्रेनेड ले लिया और मशरूम भी। गाइस देखते हैं क्या होता है हमारे साथ इस मैच में। गाइस जैसे कि आप जानते हो केप टाउन का वैसे स्पेस है, पर गाइस यहाँ पे हम सीधा रस कर देंगे और उसकी देखते हैं कहाँ पे है वो। गाइस सीधा उसके मारते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जोन खुल चुका है और यहाँ हम रस कर देते हैं। तो इस बार मैं कुछ भी कट वगैरह नहीं करूँगा क्योंकि देखते हैं कहाँ पे आता है वो बंदा। गाइस आप देख सकते हो वो कितना छुपता है, वो ओपन में तो आ नहीं रहा। शायद से वो उस साइड हो, पर नहीं पता नहीं कहाँ पे है वो। गाइस शायद से वो आएगा, पता नहीं गाइस वो कहाँ पे है। उस साइड है तो उस साइड भी चलेंगे अभी थोड़ा। यहाँ पे देख लेते हैं उसको, यहाँ पे फायर करके बुला लेते हैं। भाई तू यहाँ पे आ जा, यहाँ पे हूँ मैं। क्योंकि गाइस वो फायर तो कर नहीं रहा। देखते हैं क्या होता है। गाइस वो आ चुका है यहाँ पे भी। गाइस वो सीधा रश कर रहा है, पता नहीं उसको चार बार तो हार चुका है और ये रश क्यों कर रहा है बार बार। देखते हैं गाइस शायद से वो डबल वेक्टर लेकर आया या फिर क्या हो के आया, पता नहीं क्या करके आया। गाइस देखते हैं, और वो सीधा भाग चुका। भाई डर गया क्या तू, साता गया वो करना क्या चाहिए। भाई तू यहाँ से आ गया। गाइस हमने उसको बहुत डैमेज दे चुके हैं, यहाँ से निकल नहीं सकते, इस साइड से निकलना पड़ेगा। उसको मोको आई देख सकते हो गाइस कहाँ पे है वो। स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं, थोड़ा रस करते हैं सीधा। तो गाइस यहाँ पे हम कर देते हैं रस थोड़ा। वो देख रहा है हमको, ओपन में आ चुका है। वो ग्लू वॉल के पीछे जा चुका है और ये हम फाइट, और ये ग्लू वॉल के पीछे रिलोड गया। गाइस हम सीधा रस कर दिया है और ये क्रोनो जला दिया। गाइस इसकी क्रोनो पावर क्या है, मतलब क्या है गाइस। गाइस वैसे आपको लगता है क्रोनो की पावर चेंज होगी, क्योंकि बहुत सारे बड़े यूट्यूबर कह रहे हैं कि गाइस क्रोनो की पावर चेंज होगी फ्री फायर के। बस देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर भाई तो क्या है ग्लू वॉल के पीछे, क्या सो जाता है क्या, नींद आ रही है। ठीक है भाई सो जाओ, पर अभी भी सो रहा है। बस देखते हैं इस मैच में क्या होता है। एलिमिनेटेड, बस एलिमिनेट आया। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि वो एलिमिनेट हो चुका है, तो गाइस ये राउंड तो हमारा थोड़ा वेस्ट गया। तो गाइस अगले राउंड में हम चलते हैं। गाइस जैसे ही हमारा पिछले राउंड में ओपन हुआ वैसे ही हमारी विक्ट्री आ गई। तो गाइस इस मैच में हम देखते हैं क्या होता है। वो हमारा प्लेयर वापस आ चुका है, पता नहीं कैसे, पता नहीं गाइस क्या हुआ पिछले मैच में। तो गाइस मुझको इस मैच में लग रहा है कि वो डबल वेक्टर लेकर आएगा। तो गाइस देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो गाइस वो डबल वेक्टर लेकर आ तो चुका है, पर गाइस हमको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। वो लेफ्ट से सॉरी राइट से आ गया, फिर यहीं से आएगा वो। तो गाइस वो यहीं से आ रहा है, उसके हाथ में आपने देख लिया होगा डबल वेक्टर। उसने क्रोनो ऑन कर दिया और गाइस हम उसके क्रोनो में चले जाते हैं और वो राउंड लेकर आएगा हमको ढूंढते ढूंढते, और हम उसको मार देंगे। अब ग्लू वॉल लगा लेते हैं गाइस। गाइस तीसरी ग्लू लगी नहीं, पता नहीं क्यों, और गाइस उसने हमको मार दिया। कोई नहीं गाइस अगले मैच में हम उसको आराम से मार देंगे और देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। गाइस इस मैच हमारा है सेंटोसा का। सेंटोसा के मैच में हमने ले लिया एक MP40 और एक डेजर्ट ईगल और एक ग्लू वॉल। तो गाइस देखते हैं सीधा हम रस करते। तो गाइस जैसे कि हमने सोचा था वो ग्लू वॉल के पीछे अभी भी है, सॉरी डबल वेक्टर ले आया है।
गाइस हमको उस पर रस बोलना ही पड़ेगा या फिर हम थोड़ा बैकअप ले लें, वही रस बोल रहा है क्योंकि उसके बाद डबल फैक्टर ज़्यादा ही अपना ऐड दिखा रहा है और कोरोना भी है, तो गाइस रस के लिए इजी रहेगा और हम थोड़ा कवर ले लेते हैं जिससे वो राइट से ना, गाइस वो लेफ्ट से आगे जैसे कि हमको लग रहा था, मैं अभी ग्लू लगाने वाला था गाइस, कोई नहीं हमको थोड़ा यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि वो जल्दी से डबल फैक्टर है उसके पास ग्लू तोड़ ही देगा, तो हम थोड़ा परमानेंट कवर में जाते हैं और गाइस देखते हैं कहाँ हम थोड़ा मेडी मार लेते हैं और रिपेयर किट मार लेते हैं गाइस, उसके बाद थोड़ा मैच में आते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे रिपेयर किट मार लेते हैं पहले मेडी को छोड़ के, अब मेडी मार लेते हैं थोड़ा गाइस, वो हमको ढूंढ भी नहीं पाया, हम ऐसे कवर में चले गए थे एकदम से, ये होती मूवमेंट स्पीड गाइस, वहाँ पे वो अभी भी है वहीं पे गाइस, देखते हैं वो हमको ढूंढ रहा है अभी तक, और गाइस उसने हमको ढूंढ लिया क्योंकि हमने उसको ढूंढ रहे थे और वो भी हमको गाइस उसकी ग्लू वॉल टूट गई है, तो गाइस वो दूसरी ग्लू वॉल में चले गए और हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, वन टैप की ट्राई करते हैं, तो गाइस थोड़ा सा बच गया वो बिल्कुल गाइस, इस मैच में तो एक भी वन टैप नहीं लगे पर कोई नहीं गाइस, आगे ट्राई करते हैं गाइस, वो यहाँ से निकल लिया और हमको भी जाना पड़ेगा थोड़ा मूवमेंट स्पीड दिखा के, और गाइस वो यहाँ से निकल लिया, हम थोड़ा अगर जल्दी पहुँचते हैं और सीधा खिड़की से कूद जाते शायद हम उसको डैमेज दे पाते हैं, ग्लू वॉल हमने अप्लाई कर लिया और यहाँ पे हम सीधा चलते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पे जोन आने वाला है, तो वह सामने से जाएंगे तो मार देगा पर पीछे जोन है तो गाइस आगे से ही जाना पड़ेगा ग्लू वॉल लगा के, और यहाँ पे वो डबल वेक्टर लेकर हम लेफ्ट से नहीं जा सकते, हमको राइट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे उसकी कोरोना की बाबू वापस आ गई है, वो गाइस यहाँ पे उसको मारना पड़ेगा कोरोना में वापस आके, उसकी कोरोना ने बचा लिया उसको वापस से, गाइस यहाँ पे बचना पड़ेगा हमको, थोड़ा परमानेंट कवर में चले जाते हैं गाइस, वो थोड़ा बाहर है और हमको ग्लू वॉल का यूज़ नहीं कर रहा है वो, पता नहीं गाइस क्यों उसको डबल वेक्टर से ज़्यादा हिट आ गई है, और गाइस हमने उसको हरा दिया और यहाँ पे हमने भैया ले लिया है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलो, और गाइस अगर आपको भी मेरे साथ कस्टम खेलना है तो गाइस अपनी UID कमेंट बॉक्स में लिख दिए, और गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो गाइस अगर आपको मेरे साथ कस्टम खेलना है तो गाइस वैसे आपको कस्टम बनाना पड़ेगा, और तो गाइस अगर आपको ऐसी भी और वीडियो चाहिए तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।